आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। पी ओ क्यू एक लाइन है, ओ आर स्टैंड कर रहा है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। ओ एस इज अनादर रे लाइज बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। क्लियर? प्रूव दैट एंगल पी सॉरी आर एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ एंगल ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, सो फर्स्ट गिवन लिखें, पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, दैट इज एंगल पी आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ एस इज अनादर रे लिंग बिटवीन रे ओ आर ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के मिड में बन रही है ओ एस। ठीक है, प्रूफ करना है एंगल पी ओ सॉरी एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। प्रूफ, सो पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सो सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180 डिग्री। सो पी ओ पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? पी ओ एस प्लस आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू की प्लेस पे 90 इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज आर ओ क्यू इज 90 डिग्री। पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90। सो पी ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90। हम आर ओ एस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू 90 माइनस पी ओ एस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए अभी हमको क्यू ओ एस भी चाहिए, सो हम यहाँ पे देखें क्यू ओ एस, अगर क्यू ओ एस को देखें तो इसमें भी टू पार्ट्स हो रहे हैं क्यू ओ एस में, आर ओ एस और आर ओ क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू। नाउ एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू एंड आर ओ क्यू इज ऑलरेडी 90 डिग्री, सो क्यू ओ एस इज इक्वल्स टू आर ओ एस प्लस 90 डिग्री। 90 को एलएचएस में ले आए तो क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू आर ओ एस, इट मीन्स एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हम दोनों को ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट तो LHS LHS एंड RHS RHS, एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस 90 प्लस, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 90 माइनस एंगल POS, ROS प्लस ROS 2ROS इज इक्वल्स टू QOS माइनस 90 प्लस, ब्रैकेट ओपन किया 90 डिग्री माइनस POS प्लस 90 एंड माइनस 90 क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस माइनस कैंसल। सो टू एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, सो आर ओ एस इज इक्वल्स टू टू को आर एच एस में ले जाएंगे तो होल के अपॉन में आएगा, तो हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। It is the given that angle XYZ is equals to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information if ray YQ bisect Z angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP. तो इसमें इक्वेशन में इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाना है क्वेश्चन को पढ़कर। सबसे पहले क्या बोला है, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64, सो एक्स वाई जेड क्या बना दिया हमने 64। उसके बाद उन्होंने बोला था एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट, तो एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ठीक, एंड वाई क्यू बायसेक्ट एंगल जेड वाई पी, बायसेक्ट मीन्स टू इक्वली पार्ट्स में डिवाइड, तो ये एक्स एक्स टू इक्वली पार्ट्स में क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए। फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मोर देन
180 less than 360. Clear? So given angle X, Y, Z is equals to 64 degree. XY is produced to point P and ray YQ bisect angle ZYP such that angle ZYQ is equals to angle QYP. Both the angles क्या हैं? Equal. इनको मैंने mark कर रखा है X. अगर ये X है तो ये भी X है क्योंकि ये दोनों two equally parts में divide हुए हैं. Bisect बोला है ना? To find that angle X Y Q and reflex angle Q Y P. Since P Y X straight line है so in three angles का sum क्या होगा 180. So X P Y P X Y X is a straight line के according angle Q Y P plus angle ZYQ plus angle XYZ is equals to 180. ठीक है, ये X degree plus X degree plus 64 is equals to 180. X plus X 2X plus 64 is equals to 180. 2X is equals to 180 minus 64. क्लियर, 2X is equals to 180 में से 64 माइनस करेंगे तो 116. X is equals to 116 upon 2. Cancel कर दीजिए. 2 1s are 2. 2 5s are 10. 2 8s are 16. It means X is equals to 58 degree. Clear? तो ये X है और इसकी value हमको क्या मिली है? 58 degree. अगर आपको Q, X, Y, Q निकालना है, so 64 plus 58 कर दीजिए दोनों का sum. और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है तो 360 में से 58 को क्या कर दीजिए माइनस. देन एक्स इज इक्वल्स टू 58 डिग्री. देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, मैंने अभी बताया था रिफ्लेक्स मींस 360 माइनस 58 एंड 360 माइनस 58 इज 302 डिग्री. ठीक है, सिंस एंगल X, Y, Q is equals to, मैंने आपको बताया था कि X, Y, Q में क्या कर दीजिए, X, Y, Z और Z, Y, Q angles को क्या कर देंगे plus, तो 64 plus 58 is equals to 122 degree. It means angle X, Y, Q is equals to 122 degree and reflex angle Q, Y, P is equals to 302 degree. Thus, the value of angle XYQ is 122 degree and reflex angle QYP is equals to 302 degree. Clear? ये 6.21 exercise आपकी complete हो जाती है. इन sums को आप solve करिए और theorems को revise करिए.